हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का क्यू कार्ड सजेस्ट किया गया है हमारे सब्सक्राइबर ओम भथौरिया जी के द्वारा। सो देखते हैं आज का क्यू कार्ड। डिस्क्राइब वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स जॉब। यू शुड से व्हाट वाज इट, व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग दैट जॉब, वेयर डिड ही वर्क। आपको बता रहा है अपने किसी भी एक ग्रैंड पेरेंट की जॉब के बारे में, चाहे ग्रैंडफादर चाहे ग्रैंड मदर। आपको बताना है कि वो जॉब क्या थी, वो जॉब कहाँ कर रहे थे और उन्होंने जॉब करना कब शुरू किया। लेट्स प्रोसीड विद द आंसर। एवरी वन ऑफ अस लव आवर ग्रैंड पेरेंट्स, दे हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन अवर हार्ट्स। आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज टेल अस अबाउट इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ देयर एरा। दे ऑलवेज कीप अस हैप्पी एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद अस। टुडे I would like to talk about my grandfather, Mr. Prithvi Kapoor. He was a very humble and caring person. My grandfather started his career as an English teacher at the age of 25. He got the job of an elementary teacher just before his 25th birthday. He was a very intelligent and well-informed person. I feel lucky that I am a part of his clan. My grandfather loved teaching. He believed that education can change a person's life in a positive manner. Whenever he got time, he would teach the kids of our society free. He used to say knowledge will only increase if we will share it. The best way to learn something is by sharing it with others. My grandfather was working in a government school in Delhi. His job timings were 7 a.m. to 2 p.m. He would often stay at school for late to provide extra classes to students facing trouble in English lessons. My grandfather completed his MA English degree with distinction. It was only because of his good education that he was able to provide his family a good life. My grandfather supported the idea of independent thinking and never forced his decision on any family member. My father wanted to do business and my grandfather supported him, and he provided the experience he gained from his job. So friend, this was the cue card. अब हम देखते हैं वो वोकैबुलरी जो हमने इस क्यू कार्ड के अंदर यूज की है। एरा, अ लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मतलब किसी भी एक दौर के बारे में। हम्बल, रेस्पेक्टफुल। डिस्टिंक्शन, एक्सीलेंस दैट सेट्स समवन अपार्ट फ्रॉम अदर्स। एलिमेंट्री टीचर के लिए मैं लिखा है यहाँ पे, प्री किंडरगार्टन टू फिफ्थ ग्रेड। क्लान, अ क्लोज नेट ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड फैमिलीज और लार्ज फैमिली। क्लान का बेसिकली मतलब वो लोग जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है वो जिसने अपनी पढ़ाई के अंदर कुछ बहुत अच्छा हासिल किया हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का क्यू कार्ड। अगर आपको पसंद आया तो क्लिक कीजिए लाइक, शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज के ऊपर क्यू कार्ड बनाऊं, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ एनी वन ऑफ यू इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल विद एनी ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ आईएलटीएस, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू अकॉर्डिंगली। टिल देन, सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।